चप्पल। अरे दीदी ये सिर्फ चप्पल है, अब इतना भी खुश मत हो जैसे कि कोई खजाना ही मिल गया हो। ओह नो, ये क्या किया? मैडम की नई चप्पल उछल कूद करते करते तोड़ दी, अब तो डांट पड़ेगी। पर रुको, ये सिला है, अभी दिमाग लगाती है। अरे दीदी आप कहीं जा रही हो? हाँ एक्चुअली हम लोग शॉपिंग जा रहे हैं, आप अपना काम कर लेना ठीक है? हाँ। दीदी बाहर गई तो दीदी को चप्पल का पता चल जाएगा। शीला। तो बोला था ना कि इनका दिमाग चाकू से भी तेज चलता है, आखिर नया बहाना ढूंढ ही लिया। अरे दीदी इतनी धूप में आप बाहर कैसे जाओगी? इससे अच्छा अमेज़न से ऑर्डर कर लो ना। चलेगा? नहीं नहीं ऑनलाइन बहुत महंगा होता है आजकल। नहीं तुम चलो। अरे दीदी नहीं महंगा नहीं है, उनका समर सेल चल रहा है ना और फ्री डिलीवरी है, तो घर का सारा सामान ग्रोसरी कपड़े सब पे ऑफ है। संडी भैया की मम्मी ने बताया। अरे ये संडी भैया की मम्मी है कौन जिनका जिक्र ये बार बार करती है? अरे हाँ प्रशांत ये देखो लैपटॉप टीवी मोबाइल सब पर ऑफर है, करते है ना। दीदी आप ये सैंडल ले लो ना, आप पे बहुत जचेगा। मैं क्या सोच रही हूँ, मैं ये ले लेती हूँ, आप ना मेरा पिंक वाला ले जाना ठीक है? हाँ चलेगा दीदी चलेगा। शीला, इसको बोलते हैं शीला, कैसे हस्बैंड वाइफ को मार्केट जाने से रोका और सब कुछ घर पर ही ऑर्डर करवा दिया अमेज़न से, क्योंकि अगर मैडम बाहर जाती तो शीला दीदी ने जो चप्पल तोड़ी थी उसका राज ही खुल जाता। पर क्या गजब का दिमाग लगाया इन शीला दीदी ने। अगर आप प्रशांत भैया की जगह होते तो क्या करते, कमेंट कर जरूर बताइएगा।